आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल कि आप लोगों का सीयूएट एलएनपीजी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करेगा, आप लोगों को किन किन कॉलेजों में एडमिशन लेने का सोचना चाहिए, वहां पे क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप लोगों का जो स्कोर कार्ड आएगा उसका आपको क्या करना है, किस तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग वर्क करेगी, मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, सारी चीजें जो जो आप सोच सकते हो क्वेश्चन सारा हम लोग आंसर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि यहाँ पे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करने का सोचना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मेरे हिसाब से सबसे जो बात है यहाँ पे तीन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे पर्सनल मेरा एक वो है कि हाँ भाई, यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा एलएलएम का एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पे मैं ये भी बात करता हूँ कि वो कौन कौन से एलएलएम के कोर्सेज ऑफर करते हैं। सबसे पहला है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका 2 ईयर का और 3 ईयर का अपना एलएलएम का कोर्स ऑफर करते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो पूरी सेपरेट बनाई है कि वो कोर्सेज क्या है, कैसे है, इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी PHU, जिसका कि पोर्टल ओपन हो चुका है, जिसका कि ये डॉक्यूमेंट भी मैंने मतलब वहीं से रेफर में ले रहा हूँ। इनके यहाँ पे चलता है एक आपका 1 ईयर एलएलएम का प्रोग्राम और 2 आपके चलते हैं 2 ईयर एलएलएम के प्रोग्राम अलग अलग, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा है आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये आपकी लखनऊ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये आपकी वो है, ठीक है। आप यहाँ पे भी अप्लाई करने का सोच सकते हो। यहाँ पे बेसिकली एक आपका 2 चलती है अपने 2 ईयर के एलएलएम, ठीक है, और एक 1 ईयर का एलएलएम चलता है। इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो रन करता है, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन, सारा मैं बात यहाँ पे कर चुका हूँ। अब इसके बाद बात करना शुरू करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि भाई वो वर्क कैसे करेगी। अब समझिए होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे जितना मेरे को प्रोबेबिलिटी लगता है आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको आने का वेट करना है। एक चीज आपको ये पता है, अब ये जो आपका रिजल्ट है ये आपके जुलाई के अंदर पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में ये आपका आ जाएगा। अब आपको देखिए इस रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये रिजल्ट का आपके जो रजिस्ट्रेशन है उससे आपका दोनों का कोई अपना रिलेशनशिप नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको अलग अलग जाके हर यूनिवर्सिटी में करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे BHU की बात करते हैं, इन लोग का रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल चुका है, तो अगर आपको यहाँ पे जैसे मान लो अप्लाई करना है तो 16 जुलाई लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है उनकी वेबसाइट पे कि 16 जुलाई तक आप लास्ट यहाँ पे पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो ये काम करना है वो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके ये जो लिंक है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का वाला जो ये आपका पोर्टल होता है उसको ओपन करेगा, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। सेम ये जो चीज है वो आपको करनी है फॉर DU एज वेल, फॉर BBAU एज वेल, जब इनका एडमिशन का पोर्टल खुलेगा उस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जब ये आ जाएगा तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो वहां पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड और सारी चीजें वो आपसे मतलब मांगेगा, पूरा एक प्रोसेस होगा उसको रजिस्टर करने का। यहाँ पे देखिए जितनी डिटेल्स आपकी हैं ये सारी आपको फुलफिल यहाँ पे पूरी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका NTA का जो नंबर होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेंट लिखने नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर का नेम, मदर का नेम, सारी चीजें ये आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर पासवर्ड बनाना है, मोबाइल नंबर अपना जो होगा, मतलब पूरा प्रोसेस अपना ये आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीटेड। ये आपका हो गया स्टेप 1 कि आपने स्टेप 1 पूरा कर लिया। स्टेप 2 में अब आपको देखो क्या करना है। स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे आपको ये पूरा डैशबोर्ड खुल के आपका मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको 7 स्टेज मिलते हैं जो कि आपको फुलफिल करने हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको रखने हैं अपने साथ व्हाइल यू आर फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, वो है आपके आपका पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ, एक आपका डिजिटल जो स्कैन होता है जिसको कि आप साइन करके PDF बना के खींच लेते हो, वो सारी चीजें मतलब सॉफ्ट कॉपी PDF में रखिएगा, PDF में होनी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट फोटो, डिजिटली साइन रखना सिग्नेचर, 10th की और 12th की मार्कशीट, ठीक है, 10th और 12th की ग्रेजुएशन ये आपका मार्कशीट जो है वो आपको चाहिए होगी और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपको चाहिए होंगी। अभी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है ना, इनसे क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि भाई देखो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि अभी रिजल्ट फाइनल उसका नहीं आया है ईयर का, किसी का सेमेस्टर का नहीं आया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ना पूरा का पूरा ही फिलफिल करना है। अगर मान लो आप 3 ईयर अपना एलएलबी कर रहे थे तो आपका मान लो 2 साल के आ चुके हैं सर्टिफिकेट, तो आप फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का अपलोड कर दो, 5th और 6th ईयर का जब आएगा तब अपलोड कर देना, और अगर मान लो 5th का आ गया तो 5th का भी अपलोड कर देना। ऐसे ही 5 ईयर वाले बच्चों के लिए भी वही चीज वर्क करेगी कि 5 साल के अंदर मान लो 4 साल के आ चुके हैं मार्कशीट जितने भी हैं ईयर बाय ईयर, वो सारे के सारे अपने सेमेस्टर वाइज अपलोड वहां कर दो, जो अभी नहीं आया उसको वैसे ही रहने दो, जब बाद में आएगा तो उसको फिजिकली जब काउंसलिंग होगी तब अपना दे देना, सिंपल एज दैट, उसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना। इसके बाद आपका देखो अगला जो चीज है वो है आपका इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट। अब अगर इसके अंदर ये जो थोड़ा सा ना ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या।
नाउ ये कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं कि होता क्या है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, आपको पहली बात तो ओबीसी के अंदर आप हो, तो ओबीसी के अंदर आपका जो एनसीएल का बनता है सर्टिफिकेट, आपको वो चाहिए। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो और आपके जो फैमिली है उनकी इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, तो आपको ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर आप 8 लाख से नीचे उनकी इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में, मतलब उसमें आप नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हो, एनसीएल का सर्टिफिकेट जो आपका है वो बनेगा। तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देखिए बनवाना है, और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूड सर्टिफिकेट होता नहीं, नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है, और ये सेम जो चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, अगर आप मान लीजिए एससी कैटेगरी के हो या एसटी कैटेगरी के हो, या अगर आप एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह किसी भी कैटेगरी में अगर आते हो, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका लोकल, आप जिस शहर में रहते हो वहां पे आपकी तहसील होगी, वहां तहसील में आप जाइए, तहसील में ना वहां पे आपको लोग मिलेंगे, कोई एडवोकेट मिलेंगे, या फिर आप ऑफिस में बात करोगे तो वहां पे वो लोग उस चीज को बनाते हैं। उनसे आप जाके स्पेसिफिकली बोलिए कि भाई देखिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो वहां पे पहले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो बनेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है फिर उसको वहां पे डीएम और या जो एसडीएम होता है उसके वहां पे जाकर वो फिर लिख के देते हैं, फिर जब वो साइन करते हैं तब वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इशू होता है। तो दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। इसकी बेटर जानकारी के लिए आप एक बार अपने जो लोकल तहसील है जहां पे ये बनता है वहां पे आप जाके पता करिए, वो आपको बेटर जानकारी दे पाएंगे, बिकॉज हर स्टेट में ये प्रोसेस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, पर बनेगा ये आपका तहसील में ही। और ये बात का ध्यान रखिए कम से कम 1 से 2 हफ्ता लगता है सर्टिफिकेट बनने में, तो अगर आपने नहीं बनवाया है तो प्लीज बनवा लीजिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो देन मेक श्योर कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इशूड सर्टिफिकेट है वो आपका सर्टिफिकेट बेसिकली समझ लीजिए, थोड़ा ना स्टेट गवर्नमेंट का उसमें नाम नहीं होता, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम होता है, वो वाला इशू करवा लीजिए। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा तहसील में, अलग से बात करनी पड़ेगी, और उसमें देखिए टाइम लगता है। तो जैसे पीएचयू की बात करें तो 16 तारीख लास्ट डेट है, तो जल्दी जाइए, अभी बहुत टाइम है, करवा लीजिए प्लीज, खत्म करिए उस पूरी चीज को, और फिर अपना जो है अपना फुलफिल जो आपको ये सब कुछ करना है वो अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये एक बार आपका हो गया तब आप यहाँ पे जो एप्लीकेंट का नाम है बाकी चीजें जितना आपने जैसे पहले डाल दो वो फिर से डाल दो, फिर यहाँ पे अपना अपलोडिंग करना शुरू करो बाकी सारी चीजों का, जितना भी आपका वो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपना अपलोड करो। यहाँ पे देखिए स्टेज 2 आपका है, यहाँ पे जो आपका 10th है 12th है बाकी चीजें वो अपना अपलोड करो, यहाँ पे जो है आपका वही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो अपना अपलोड करिए, और फिर 4th में अपना सिग्नेचर, ये था पूरा। यहाँ पे अब जब स्टेज 5 आती है तब आता है हमारा खेल शुरू होता है यहाँ पे। अब देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे जब आप ये सिलेक्ट करने जाते हो कि भाई हमारा कोर्स कौन सा होगा, वो प्रोग्राम सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस ये रहता है कि यहाँ पर आपको ये, आप बेसिकली जब जाओगे यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपका पूरा बैंक वाला हो गया, ठीक है, प्रीव्यू एंड कंफर्म वाला, ये चीज पूरी आपकी आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है कि जब आप कोर्स भरने जाते हो तो आपको यहाँ पे LLM सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि भाई मैं LLM का स्टूडेंट हूँ, मुझे LLM का अपना सिलेक्ट करना चाहिए, जो आपका COQP14 था वो आपका बेसिकली यहाँ पे अगर आपको मिलता है वो अपना डाल दो, अपना LLM का, मैं यहाँ पे वो हूँ, मैंने अपना डाल दिया। और यहाँ पे अगर आपको पेड सीट का ऑप्शन है वो भी आपको रेगुलर है स्टेट, वहीं पे आपको सिलेक्ट करके डाल देना है और वो पूरा अपना कर देना है। उसके बाद आप बैंक अकाउंट डिटेल्स और वो सब कुछ डालोगे, ये सब प्राइवेसी कोड वगैरह वो सब अपना हो जाएगा। अगर इन केस ऐसा होता है, ये जो बात ये लोग कर रहे हैं ना रिफंड की, वो उस केस में कर रहे हैं कि भैया मान लो अगर ऐसा हुआ कि पेमेंट फेल हो गई या लटक गई पेमेंट, तो उस केस में जो बैंक अकाउंट से पैसा गया है उसमें वो वापस आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जब भी आप पेमेंट करने जाओगे ना तो यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स गोइंग फॉर दिस ऑप्शन ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, साफ साफ लिख दिया इन्होंने, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस ये लोग लेंगे इनके इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, BHU के ऑफिशियल वेबसाइट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से फीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है जो आप काउंसलिंग के लिए भरने वाले हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के तौर पे। और हर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अलग फीस लेगी, BHU अलग लेगी, BBU में अप्लाई कर रहे हो वो अलग लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है अपना यूनिवर्सिटीज का अपना डिफरेंट हो, कोई रिफंडेबल रखता हो कोई नॉन रिफंडेबल रखता हो, पर BHU के अंदर इनके डॉक्यूमेंट में तो नॉन रिफंडेबल लिखा हुआ है साफ साफ। अब यहाँ पे आप जाओगे उसको पूरा डाल दोगे, ये UPI नेट बैंकिंग ब्ला 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 पूरा अपना भर दो, कुछ नहीं करना है उसमें, कोई बहुत खास बताने वाला है। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेप आपका आता है वो है आपका प्रीव्यू एंड कंफर्म का। यहाँ पे आप जाते हो तो आपको यहाँ पे ऐड करना है अपना कोर्स का प्रेफरेंस, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपने ये डाल के रखा हुआ है कोड के साथ कि भैया देखो ये अपना, जैसे इस एग्जांपल में MBA इन्होंने डाल के रखा हुआ है,
तो उसके अंदर जब आप एड प्रेफरेंस में घुसोगे ना, तो वहां पे दे विल शो यू कि एमबीए के नाम पे कौन कौन से टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। हमारे केस में एलएलएम के नाम पे जो कोर्सेज अवेलेबल होंगे उनका दे दिया जाएगा। तो आप जिस जिस पे क्लिक करोगे, जैसे मान लो बीएचयू के अंदर दो ईयर का और वन ईयर का तीन अलग प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो तीनों यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगे, आप तीनों को ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको केवल वन ईयर एलएलएम करना है तो आप उसमें केवल सिलेक्ट करोगे तो आपको जो नाम होगा वो केवल वन ईयर वाली लिस्ट में आएगा। अगर आप तीनों सिलेक्ट करोगे तो तीनों लिस्ट में आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, अगर होना होगा होगा, नहीं होना होगा तो उस हिसाब से वो हो जाएगा। और वो होने के बाद जब आप पेपर सिलेक्ट कर लोगे तो उसको आप जाके वहां पे सीधे सीधे वो सब ठीक कर दो कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या है और उसको फाइनल कर दो, काम खत्म। अब ये जो प्रोसेस आपने कर ली, यही सेम प्रोसेस अगर आपने बीएचयू में जाके करा है, वही सेम प्रोसेस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी करना है, वही सेम काम आपको आपका बीबीएयू में भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे डिसाइड कर लो कि वन ईयर एलएलएम करना है कि टू ईयर करना है कि थ्री ईयर करना है, उसके हिसाब से ही अपना सिलेक्शन करना कि भाई ये मुझे चाहिए ये मुझे नहीं चाहिए। और ये करने के बाद देखो क्या होगा ना, आपका जो रिजल्ट है उससे इस प्रोसेस का देखो कोई रिलेशन नहीं। जो आपका रिजल्ट है ना, ये आपका समझ लो सीएसएएस पोर्टल है आपका, ये जो सीएसएएस पोर्टल है इसके अंदर आपने जैसे ही अपने एप्लीकेशन नंबर डाला ना कि मेरा ये फला फला एप्लीकेशन नंबर है, यूनिवर्सिटी वाले वही एनटीए से ही आपका पूरा पूरा स्कोर मंगा लेंगे, जो परसेंटेज है जो भी जो कुछ भी है वो वहीं से मंगा लेंगे। आप कुछ अपना अलग से नहीं डालना कि मेरी इतनी परसेंटेज है इतना मेरा आया, दे विल डू इट इटसेल्फ, ठीक है। आपने रजिस्टर कर दिया, आप बस सीधे आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है। तो जो जो प्रेफरेंस आपने बढ़ी होगी कि भैया मुझे वन ईयर में भी इंटरेस्टेड हूँ एडमिशन लेना, टू ईयर में भी, थ्री ईयर में भी, उन सबकी अपनी अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी। यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग मेरिट लिस्ट निकालेगी। उस मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम टॉप मान लो 100 में है या टॉप 50 में है, जैसे भी है, उसके हिसाब से दे विल कॉल यू फॉर काउंसलिंग। पहली वो निकाली जाएगी कि भैया इतने बंदे जो टॉप के हैं ये जो है अपना आज है, इनकी यहाँ पे काउंसलिंग कॉल कर रहे हैं। अब वो जो पहला राउंड होगा काउंसलिंग का, उसमें मान लो कुछ सीटें भरी कुछ सीटें नहीं भरी, अगर कुछ सीटें नहीं भरी होगी तो वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जाएंगे, सेकंड राउंड में नहीं होगा तो थर्ड राउंड में जाएंगे, थर्ड नहीं होगा फोर्थ में, फोर्थ नहीं होगा फिफ्थ में, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग वो लोग रखते हैं। उसके अंदर भी देखिए देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ स्पॉट काउंसलिंग, वो अलग एक वो है, और पेड सीट्स का अपना एक अलग वो होता है, वो सब अपना डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वो किस तरीके से अपने बायलॉज के हिसाब से अपना जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको करते हैं। बीबीएयू के अंदर वन ईयर वाले में जितना भी है इन्फॉर्मेशन वो लोग इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं कि भैया आप एडमिशन लेने आ रहे हो तो आपका सीवीटी का स्कोर एक तरफ है, साथ में आपका इंटरव्यू हम लोग छोटा सा लेंगे उसका स्कोर, और दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, और उसके थ्रू वो लोग फिर बताएंगे कि सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए। तो वो डिपेंड करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट जो जनरल जिस्ट है कि आपका काउंसलिंग काम कैसे करने वाला है वो मैंने भैया आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया कि आपको रिजल्ट का यहाँ पे वेट नहीं करना है, आपको जाना है रजिस्ट्रेशन अपना जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जहां जहां आपको भरना है अपना कर दीजिए, पैसा भरिए वो करिए, उसके आगे बढ़ के वेट करिए कि जो आपका रिजल्ट आता है उसके अंदर वो अपने आप मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी की जो फीस आप भरोगे यहाँ पे हो सकता है रिफंडेबल हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो बीएचयू के अंदर डॉक्यूमेंट है ये जो जिसका मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ उसके अंदर ये जो रिफंडेबल वाली बात है साफ साफ लिखी कि नॉन रिफंडेबल ही आपका ये लोग कह रहे हैं कि होगा, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हो। बाकी मेन रिकमेंडेशन मैंने आपको दे दी बीबीएयू बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप यहाँ तीनों के लिए अप्लाई करोगे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है जहाँ की आप एलएलएम का सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। अगर आपको कोई डाउट्स हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग बाकी चीजों के आप कमेंट्स में नीचे बताइए। थैंक यू वेरी मच, बाय।